हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कौन, आपका प्लेन मिरर के बारे में। आप सभी जो छोटी क्लासेज है उसके अंदर काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये सभी को आपको पता है कि आप अगर उस मिरर से, मान लिया ये आपके पास में कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तो अगर आप इसके सामने यहाँ पे एट द फ्रंट खड़े हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप 5 मीटर यहाँ पे हैं तो आपकी इमेज है वो अंदर 5 मीटर दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप यहाँ 5 मीटर पे हैं तो आपकी इमेज यहाँ, यानी आपकी आपकी इमेज से जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी हो जाती है, 10 मीटर हो जाती है, ठीक। अब इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आपकी बुक के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इस वाली डिस्टेंस के ऑलवेज इक्वल होती है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट टू इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट टू मिरर और मिरर टू इमेज जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इसी चीज को हम प्रूव करने का ट्राई करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जब इमेज फॉर्मेशन किया जाता है प्लेन मिरर से। तो देखो कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक मिरर है उसको लेंगे। तो मैंने ये कोई मिरर ले लिया एम एम डैश, ये मेरे पास में कोई मिरर है, ठीक है। इसके यहाँ पे पॉलिश है वो कर देते हैं। अब यहां ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसे बनेगी, चलो देखते हैं। यहां से कोई लाइट रे आई और ये चली गई, यहां से कोई एक और लाइट रे आई और ये चली गई, ठीक है। दो रेज को, कम से कम किसी एक इमेज को बनने के लिए दो रे है उनकी जरूरत पड़ती है। और आपको पता है कि जो इमेज, जो प्लेन मिरर होता है उससे जो भी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल और रियल दो टाइप की इमेज है, आपको पता होगा। रियल इमेज वो जो सच में स्क्रीन पे आप देख पाते हो, और वर्चुअल इमेज वो जिसको आप केवल फील कर पाते हो, स्क्रीन पे आप नहीं देख सकते। तो यहां पे इन दोनों रेज को मैं पीछे वर्टिकली बढ़ाता हूं तो यहां पे इमेज बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पे इमेज वो बन जाती है। हमारे पास थोड़ी सी जगह है वो कम है तो मैं इसको इतने में ही बनाने का ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा। देखो तो यहाँ इनको नेम रख लेते हैं, तो यहाँ पे पी पी डैश और यहाँ दोनों एक नॉर्मल है वो ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक नॉर्मल है वो ड्रा कर लेता हूँ। तो इसको एन दे देता हूँ, इसको एन डैश, और यहाँ पे मेरे पास ओ और इसको ओ डैश दे देता हूँ, और इसको क्यू और इसको क्यू डैश, ठीक है। तो अब इस तरह से ये जो फिगर है वो आपको बना लेना है एक। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मैं 1, ये 2, 3, 4, ठीक है, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10। तो ये सभी एंगल्स के जो नेम है वो हमने रख लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहें तो ए बी सी जो भी आपकी इच्छा हो रख सकते हैं। ये जो नेम्स हैं वो भी आप अपनी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, एक ट्राइंगल है वो हम देखेंगे। तो ये पी ओ, ठीक है, एंड ओ डैश, ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं पी ओ एंड ओ डैश और पी डैश ओ एंड ओ डैश, ठीक है। तो ये ओ डैश है। तो देखो इन ट्राइंगल पी, देखो पी ओ एंड ओ डैश एंड पी डैश, ये देखो पी डैश उसके बाद ओ, तो ओ एंड ओ डैश। इनके अंदर देखेंगे ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हमें इक्वल प्रूव हो रहा है। देखो सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये जो साइड है वो कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे, तो साइड ओ डैश इज कॉमन। तो साइड और ओडेस क्या हो गई, यहां पे कॉमन हो गई। उसके बाद यहां पे देखो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल टू एंड एंगल थ्री, तो एंगल टू इक्वल्स टू एंगल थ्री, बताने की जरूरत नहीं होगी शायद कि क्यों इक्वल है, क्योंकि यहां पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो काम कर रहा है। रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है, एंगल आई और एंगल आर, देखो यहाँ पे ये एक रे है जो इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, बीच में नॉर्मल है। तो जो एंगल आई है और एंगल आर है वो ऑलवेज क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल टू एंड एंगल थ्री है वो इक्वल हो गए एक दूसरे के। उसके बाद देखो इसी तरह से फिर एंगल वन और एंगल फोर है वो इक्वल हो गए, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर। अब एंगल वन एंगल फोर के इक्वल है, और यहाँ पे देखो ये दोनों जो आमने सामने के एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, मैथ में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे एंगल नाइन है वो भी इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो एंगल वन एंगल फोर एंड एंगल नाइन इक्वल हो गए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री, देखो ये जो एक सीधी लाइन है इसके ऊपर जो एंगल हो कितना बनता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल वन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल नाइन। तो सेम बात है, यहाँ पे वन को माइनस करूंगा तो भी इक्वल हो गया। तो इसी तरह से एंगल वन और एंगल नाइन है वो पहले इक्वल थे, तो मैंने रख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल वन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पी ओ, तो यहाँ पे एंगल पी ओ ओ डैश, देखो पी ओ ओ डैश, ठीक ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक। तो पी ओ ओ डैश और यहाँ पे पी ओ डैश ओ, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल पी ओ डैश ओ ये क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक। तो ये वाला एंगल, अब देखो यहाँ पे ये एंगल इक्वल यहाँ पे ये साइड कॉमन, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी ओ डैश एंड ट्राइंगल पी डैश ओ ओ डैश ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये जब सिमिलर हो गए तो यहाँ पे देखो ये जो पी ओ डैश है, पी ओ डैश ये इक्वल हो गई पी ओ डैश किसके, यहाँ पे पी डैश ओ डैश के। तो पी ओ डैश इक्वल्स टू पी डैश ओ डैश, और यहाँ पे ये वाली है जो पी ओ, ठीक है ये पी डैश ओ के, तो पी ओ इक्वल्स टू पी डैश ओ, ठीक है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए, ठीक। अब जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी बात करेंगे, तो एक बार इसको रफ कर लेता हूँ मैं, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, तो आप इसको लगातार अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और करते रहें, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो देखो अब दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, तो अब जो ट्राइंगल है वो हम लेंगे यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल पी डैश, ठीक है ओ और एम। तो देखो पी ओ एम, पी ओ डैश एम एंड, और दूसरा यहां पे लेंगे हम पी डैश ओ डैश एम, तो पी डैश ओ डैश एम। अगर आप ये ट्राइंगल है इसको भी आप देखेंगे तो यहां पे देखो एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी, इसके अंदर एम ओ डैश साइड है वो यहां पे कॉमन है। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर भी ये वाली साइड कॉमन है, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर भी ये जो एम ओ डैश है ये कॉमन है, ठीक। और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, तो एंगल ये वाला एंगल है वो इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे पी ओ डैश, तो पी ओ डैश है वो इक्वल हो गई किसके, पी डैश ओ डैश के। और यहाँ पे जो तो ये वाली साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ये वाली साइड दोनों के अंदर कॉमन हो गई। और जब दो साइड है किसी भी ट्राइंगल की इक्वल हो जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो बोल सकते हैं। तो जब समरूप या कॉन्ग्रुएंट जब ट्राइंगल्स होते हैं तो उनकी जो तीसरी साइड है उसको भी हम इक्वल मान लेते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एम इक्वल्स टू पी डैश एम, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है, ये वाली इमेज डिस्टेंस है एम पी, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये क्या है ऑब्जेक्ट है और ये क्या है इमेज है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को हमें इक्वली प्रूव करना था, ठीक। तो हमने इसके लिए देखो दोबारा से देख लेते हैं एक बार, कौन सा ट्राइंगल लिया था, ये वाला पहले तो हमने ट्राइंगल लिया, ठीक, और एक ये वाला ट्राइंगल लिया, इन दोनों को पहले हमने सिमिलर प्रूव किया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ये ट्राइंगल है इसको लिया पूरे को, और ये जो ट्राइंगल है इसको लिया पूरे को, और हमने देखा कि एम ओ डैश ये साइड है इसके अंदर से कॉमन है, और पी ओ डैश इसके इक्वल है पी डैश ओ डैश के। और जब दो साइड इक्वल होती है तो कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल है वो हो जाता है, तो जो तीसरी साइड है उसको भी हम इक्वल मान लेते हैं, और तीसरी साइड इसकी ये है पी एम इक्वल्स टू पी पी डैश
एम, तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी आप जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल होती है, तो ये मैथमेटिकली प्रूव होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, एक या दो बार जरूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर इसको आप 2 या 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखना तो आपको ही पड़ेगा बार बार, और करना आप ही को है एग्जामिनेशन, क्योंकि आप ही को देना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।